नमस्कार, सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में मौजूद है और हथौड़ी कोठी में मौजूद है, जहां पर बता दें कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार शनि हजारिका ननिहाल भी है। सामने देख सकते हैं, तराजू लगा दिया गया है, सजा दिया गया है और सज धज कर तराजू को सभी इस क्षेत्र के लोग तैयार हैं। यहाँ पर मंडल दक्षिणी के राजीव सिंह हैं, जो भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष हैं, वो और उनके प्रत्याशी, खासकर उनके जो जनता हैं, वो उन सभी लोगों ने यहाँ पर भयंकर तैयारी किया है, जिसमें आज यहाँ सांभवी चौधरी का जबरदस्त स्वागत सम्मान किया गया है और उन्हें लड्डुओं से तौला गया है। आपको बता दें कि हायाघाट विधायक रामचंद्र प्रसाद के नेतृत्व में और राजीव सिंह सभी लोग मौजूद रहे हैं। यहाँ पर सांभवी देख सकते हैं, सांभवी चौधरी आ गई हैं और उनका जोरदार स्वागत सम्मान किया जा रहा है। आपको बता दें कि समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में खासकर जो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उसमें आप देख सकते हैं ये जो तस्वीर है, खासकर जबरदस्त स्वागत, हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन कर रही हैं। जो जिला अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं और यहां भव्य समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में आपको बता दें कि राजनीति सरगर्मी तेज हो गई है। सभी दलों के नेता अपने अपने वोटर्स से जनसभा के माध्यम से लोगों से जुड़ रहे हैं। इसी क्रम में आज यहां पर देख सकते हैं, दक्षिणी जो मंडल अध्यक्ष मंडल है, खासकर यहां पर बहेरी के, वहां आज लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी एनडीए प्रत्याशी सांभवी चौधरी पहुंची है। यहाँ से सभी लोग देख सकते हैं, या इस क्षेत्र के जो लोग हैं उनसे संवाद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल्याणकारी नीतियों के बारे में सांभवी चौधरी सभी को बता रही हैं। वहीं यहाँ पर इस क्षेत्र में, खासकर हथौड़ी के क्षेत्र में जो शनि हजारिका ननिहाल है, वहाँ भी लोगों से उन्होंने बात किया। यहाँ देख सकते हैं, इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोग अलग अलग जगहों से आए हुए थे यहाँ पर, और माला देकर इन्हें यहाँ स्वागत सम्मान किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान जो इस क्षेत्र के लोग हैं, उन्होंने लड्डुओं से तौल कर उन्हें जीत का आश्वासन दिया है। सांभवी चौधरी को जीत का आश्वासन दे दिया गया है और इस क्षेत्र की जनता में जबरदस्त उत्साह है। इस क्षेत्र के जो खासकर विधायक है रामचंद्र प्रसाद, इन्हें देख सकते हैं, ये सभी लोग मौजूद हैं और यहाँ जो तैयारी है उसको आप देख सकते हैं। यहाँ तराजू पर बिठाकर लड्डुओं से तौल कर यहाँ पर जीत की जो बधाई है वो आर के चौधरी को इन्हें देख सकते हैं। ऐसे तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और शुभकामना दिया जा रहा है। आपको बता दें कि आज के दिन यह कार्यक्रम राजीव सिंह हो या फिर सुजान सिंह हो, गोविंद चौधरी हो, अशोक सिंह हो, मिंटू सिंह हो, नंद सिंह हो, ललन सिंह हो, अरुण मंडल हो, ऐसे तमाम लोग मौजूद हैं। देख सकते हैं, यहाँ सांभवी चौधरी तराजू पर बैठकर हंसते हुए खिलखिलाते हुए आशीर्वाद ले रही हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रही हैं। ये विशेष कवरेज आप भारत उदय समाचार पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। देर रात कल ये कार्यक्रम हुआ, जिसमें देख सकते हैं दूसरे तराजू पर लड्डू है और एक तराजू पर सांभवी को बिठाया गया है। लगभग 55 किलो ये लड्डू था, ऐसा बताया गया है। विधानसभा के खरारी में यहाँ पर जो आज ये कार्यक्रम किया गया था, क्या कार्यक्रम रखा गया था आज? ये बेटर बता पाएंगे, क्या बोले, कैसा लग रहा है, सो बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है, हम ये मानते हैं कि इसी से हमें जो मनोबल है, हमारा हिम्मत जो है, वो यहाँ के सारे लोग हैं और जो प्यार और आशीर्वाद, ये हमारा कोई आइडिया नहीं था, हमें यहाँ स्पेशली बुलाया है, ये हमने कुछ प्लान नहीं किया था। हम बहुत, पिछली बार भी हम आए थे तो हमें कहा गया था कि ये करना ही करना है, और हमने शायद बोला भी था कि अंकल अभी छोड़ दीजिए, बाद में करेंगे, चुनाव के बाद करेंगे, पर इन्होंने बोला कि नहीं अभी ही करना है, और आज हम फिर समय निकाल करके आए, तो क्या बोलेंगे, बस बहुत अच्छा लग रहा है और हम चाहते हैं कि यही प्यार और आशीर्वाद हमारे साथ रहे, और अभी नहीं सिर्फ चुनाव भरनी, चुनाव के बाद भी हम पे ये प्यार और आशीर्वाद बना रहे, ताकि हमारा उत्साह मनोबल हमेशा ऊपर रहे और हम हमेशा सेवा के लिए तैयार रहे और हमेशा सेवा करते रहे। अभी तो सब जात धर्म और समाज के लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, तो अभी भी कोई शंका कोई बचा है कि आपके दिमाग में या मन में हो रहा है कि कहीं ना कहीं कमी बच गया होगा? बेसब्री से पोलिंग डे का इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद हम 4 जून का इंतजार कर रहे हैं कि बस जो आशीर्वाद और जो प्यार, जो सम्मान, जो समर्थन, जो भी आप उसको बोलना चाहें, वो जो हमें मिला है, वो हम नहीं मान सकते कि किसी और को मिला होगा। यहाँ पे हमारे बड़े बुजुर्ग भी हैं, हमारे युवा साथी भी हैं, यहाँ पे महिलाएं भी हैं, और हर जाति हर वर्ग के लोग हैं, और हम मानते हैं कि सब जाति बंधन को हमने तोड़ा है और अब हम विजय की ओर अग्रसर। थैंक यू। यहाँ पर क्या कार्यक्रम रखे थे? यहाँ पे हमने कार्यक्रम ये रखा था, जो हमारे मोदी जी के हनुमान चिराग पासवान जी हैं, तो हनुमान जी को तो लड्डू बहुत पसंद है, और हमारे मन में एक आशा हुआ, जो हम हनुमान जी के जो भक्त हैं उनको हम लड्डू चढ़ा करके और बांटे। कितना लड्डू था, क्या था, वो सब बताए डिटेल्स? डिटेल्स में एग्जैक्ट तो नहीं हुआ, लेकिन जितना लड्डू था उतना प्रत्याशी हमारी जो है तो मतलब कम हो गई और लड्डू ज्यादा हो गया, तो प्रत्याशी का वजन ही आपको पता नहीं चल पाया? स्पष्ट हो रहा है सर, 60 केजी लड्डू था, जिस तरह लड्डू था, लड्डू धरती में सटा हुआ था और प्रत्याशी ऊपर था, उसी तरह उतना मत से हम लोग आगे जीतेंगे। पलड़ा भारी रहेगा मेरा। चलिए, थैंक यू। क्या नाम है पूरा?
राजीव कुमार सिंह बहरी दक्षिणी मंडल। इस बार जो है समस्तीपुर जनता समर्थन से क्या कार्यक्रम रखा गया था? हथौड़ी दक्षिणी पंचायत कोठी में आज सांभवी जी को लड्डू से तोला गया। जितना सांभवी जी का वजन है उस वजन के लड्डू से सांभवी जी को तोला गया है। और जो यहाँ जनसलाब उनके स्वागत में खड़ा था यह दर्शाता है कि कहीं कोई टक्कर नहीं है। सांभवी जी यहाँ से समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से भारी मतों से जीत कर हमारे हायाघाट विधानसभा के अंदर जितने भी मंडल हैं प्रखंड हैं सब जगह से आदमी यहाँ पे आए थे। यहाँ हम लोग एक मतलब एक व्यवस्था करके रखे थे जो सांभवी जी को आपसे गांव मिलेंगे लड्डू का वजन लड्डू से वजन करेंगे जिससे मेरा पलरा भारी रहे। और अच्छा हुआ जो हमारी सांभवी चौधरी ऊपर हो गई और लड्डू का वजन नीचे हो गया। और यही कार्यक्रम हम लोग कौन कौन आए थे कहाँ से कितने लोग संख्या में थे? विधानसभा के रामचंद्र प्रसाद जी थे, आर के चौधरी जी थे और जिला अध्यक्ष एलजेपी के वो भी थे प्रभारी थे। और हायाघाट विधानसभा से जितने कार्यकर्ता थे सब आदमी यहाँ पे आ गए। ये समस्तीपुर का बॉर्डर है आगे से तो क्या वहाँ से भी आए थे क्या लोग? समस्तीपुर के नहीं थे कोई, सब हमारे हायाघाट के कुछ आस पड़ोस के आदमी लोग कुछ आए आए हुए थे। कैसा कार्यक्रम रहा? बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, वो तो सब आदमी यहाँ पे इतना भीड़ था बहुत अच्छा कार्यक्रम अच्छा रहा। सबसे वजन कितना था? वजन का एग्जैक्ट नहीं 60 किलो लड्डू हम लोग लिए थे हाँ। लेकिन हमको लगता है जो 55-56 किलो के एवरेज में हमारी प्रत्याशी का वेट है। अच्छा अब 5 किलो खा गए क्या आप लोग? नहीं नहीं नहीं, नहीं सब उसी में था और भी सब जनता लोग को बांट। अच्छा ये बताएं कि पहले बार इस तरह का कार्यक्रम आपके विधानसभा में हुआ है कैसा मतलब खुद अच्छा लग रहा है? पहली बार कार्यक्रम हमको राजस्थान में इस तरह का कार्यक्रम होते रहा तो हमको थोड़ा इससे सीख मिला। और दूसरी बात हमारे चिराग पासवान जी बोलते हैं जो हम मोदी जी के हनुमान हैं तो हनुमान को तो सबसे ज्यादा लड्डू प्यारा होता है और उन्हीं की प्रत्याशी है तो हमने सोचा जो ये कार्यक्रम रखा। अच्छा बताइए ये फोटो और ये लड्डू ये सब तो चलता रहेगा कैसा स्थिति कैसा आपके क्षेत्र में? और स्थिति तो बहुत ही बेहतरीन स्थिति है, सांभवी जी बहुत भारी मत से जीत रहे हैं। चल थैंक यू। हाँ ठीक बाबा खिलाइए इस बार जो है समस्तीपुर की जनता लोकसभा प्रत्याशी एनडीए प्रत्याशी श्रीमती सांभवी चौधरी जी के लिए एकदम जनता मन बनाई हुई है। इस बार अपार बहुमत से 4 लाख पार से जनता का पूरा समर्थन पुरजोर समर्थन मिल रहा है और 4 लाख पार से इस बार विजय होगी सांभवी चौधरी जी। क्या नाम है आपका बताइए? सांभवी चौधरी जी। आपका नाम क्या हुआ? हाँ सांभवी चौधरी जी जो आज स्वागत किया गया हथौड़ी में हथौड़ी कोठी चौक राजीव मंडल जी राजीव सिंह अध्यक्ष हैं। नाम क्या हुआ? उनके नेतृत्व में और वो जो काम किए हैं सांभवी है तो संभव है। सांभवी जी एक देवी के रूप में आते हैं लक्ष्मी जी के रूप में तो लक्ष्मी जी का जैसे तो स्वागत किया जाता है उसके आभूषण से सोना। आपका नाम क्या हुआ? आज जो है लड्डू से यहाँ पे वजन किया गया। मेरा नाम विकास कुमार सिंह है, मैं भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष प्लस 100 वार्ड पार्षद। हेलो 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 सुन रहे क्या? हेलो 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 सुन रहे।